किसान संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का लैंड ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। केंद्र को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भूमि बिल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लैंड ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने से इनकार किया है, केंद्र को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। बहुत प्रख्या सिंह हमारी रिपोर्टर इस वक्त पूरी जानकारी देंगी। प्रख्या, रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, अब आगे क्या? देखिए, फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन संभावनाएं सभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को में याचिका को स्वीकार भी किया है और याचिका को स्वीकार करके नोटिस जारी किया है सभी पक्षों को, जिसमें केंद्र सरकार शामिल है और सभी राज्य सरकारें भी शामिल है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू किया था, अध्यादेश जारी करके नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया था, उसको लेकर किसान शुरू से ही आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में मुलाकात भी की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह भरोसा भी जताया था कि आने वाले दिनों में इस पर संसद में बहस होगी और जब बिल की शक्ल में इसे लाया जाएगा तो उन सभी सुझावों को अमल में लाया जाएगा जो कि किसान चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी भी अध्यादेश लागू है और अभी तक भूमि अधिग्रहण बिल पर कोई भी बहस नहीं हो पाई है, तो उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट में यह कहा गया है कि जिस रास्ते से अध्यादेश के जरिए सरकार भूमियों का अधिग्रहण कर रही है, ये बिल्कुल नाजायज तरीके से सरकारें कर रही है। उसके अलावा कोई भी बिल लाने से पहले एक ड्राफ्ट बिल बनाया जाता है और उस ड्राफ्ट बिल पर लोगों के सभी पक्षकारों के कमेंट्स मांगे जाते हैं। जी प्रख्या, अभी फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी